हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक सुहाने दिन में, खिले हुई धूप के साथ। कहीं कहीं बादल हैं और कहीं कहीं बहुत सारे धुंध हो रही है और कहीं पे हो रहे हैं धूप के दर्शन। चलिए ये सीन मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो चलें। ये देखिए वंश मस्ती करता हुआ, ये मेरे को चिढ़ा रहा था, पता नहीं कुछ बोल रहा था। तो मैं उसको बोल रही थी मुझे मत दिखा, ब्रूटस को दिखा। तो ये देखिए अभी ब्रूटस को दिखा रहा है। फिर मम्मा मैं जरा शीशे में देख लूं, नहीं मैं ब्रूटस को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब ब्रूटस बैठा है और ये आज देख रहा है कैसे। ये देखिए वंश की शैतानियां, ये देखिए ये मेरे साथ शैतानियां कर रहा था। देखिए तो क्या क्या लिया है इसने। ये देखिए यहां से शुरुआत है, ये बेल है इस तरह से। और ये जो है ये मैंने प्लांटर बनाए हैं प्लास्टिक की बॉटल्स के साथ, और इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ये देखिए आजकल बरसातों में ये घास फूस बहुत हो जाती है, इसी को निकालना है आज। इसी के साथ साथ पौधे अपने साफ करने हैं मैंने, थोड़े बहुत जितने भी इस टाइम मुझसे हो पाएंगे आज। ये देखिए सुंदर छोटी छोटी, इसका क्या नाम है, इसका इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रासुला। ये है मेरा क्रासुला, ये है मेरा जेड प्लांट। अब ये पता नहीं, ये देखिए जैसे ये वाला प्लांट जो है ये मेरे को रास्ते पे पड़ा हुआ मिला था, किसी ने इसको फेंक दिया था अपने घर से बाहर। बहुत बुरी हालत में मिला था ये मुझे प्लांट, गमले से ही थी, किसी ने फेंक दिया था। तो ये इसको मैं रास्ते से उठा लाई थी और मैंने फिर अपने गमले में इसको जगह दी, और देखिए आज कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना सुंदर हो गया है। देखिए ये भी मैंने बॉटल्स में लगाए हुए हैं पौधे, एक ये है, इसमें भी देखिए नीचे नीचे कितने फालतू के आ गए हैं, तो इन्हें मैं निकाल रही हूँ। और ये देखिए ये कुछ वैरायटीज मेरे पास हैं, पाम की वैरायटी है, मुझे एग्जैक्ट इनके किसी के नाम नहीं पता, सिर्फ इसका पता है ये एरिका पाम है। मैंने आपको बोला था नाम मुझे किसी के नहीं पता। ये देखिए तीन वैरायटी हैं, तीन ये, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये देखिए मेरे गेंदा के फूल भी लग गए हैं। एक ये है मेरा रबर प्लांट। एक ये है धुजा। इस तरह से ये गेंदे लगे हैं, कुछ कुछ मैंने ये प्लांटर ऊपर लगाए हैं दीवार पर। और इन सब में छोटे छोटे मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं।
ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये देखिए इसमें भी लगा हुआ है, वो उसमें भी है, वो पीछे वाले उसमें प्लांटर में भी है, ये हैंगिंग प्लांटर्स हैं। ये देखिए ये कुछ मैंने प्लांट्स ऐसे वाटर टैंक पे रखे हैं, मेरे ऊपर सात चीज जैसे ऐसे टूट टूट के आ रहे हैं निकल के, मैं इसे फिर यहीं लगा दूंगी तो ये हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि गमले कितने गंदे हो गए, ये देखिए कितने गंदे, जो प्लास्टिक के हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मिट्टी के हैं मेरे प्लांटर वो इतने गंदे हो गए हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है, बरांडा खुला है, ऊपर से भी पानी आता है, नीचे से भी पानी, चारों तरफ से पानी लगता है, तो इस तरह के गंदे हो गए हैं सारे प्लांटर्स। इन सब का मैंने, सब प्लांटर्स को मैंने ठीक करना है, इनमें पेंट करना है और प्लांट्स भी ठीक से, ये प्लांट जो टूट गए हैं पत्ते निकल रहे हैं वो मैं अलग कर देती हूँ। ये देखिए कुछ कपड़े मेरे प्रेस करने को पड़े हैं, अभी मैं थोड़ी देर में प्रेस लगाऊंगी तो कपड़ों को प्रेस करूंगी, अभी मैं इसे उठा के रखती हूँ, कुछ कपड़े मैं तह लगा के रखती हूँ। कुछ कपड़े ये जो प्रेस करने वाले नहीं है तो इन्हें मैं हाथ मार मार के तय लगा के रख दूंगी, तो फिर इसमें तय लगाने प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी मुझे सारे घर के कर्टन्स भी लगाने हैं, ब्रूटस आके खड़ा हो गया, पता नहीं क्या डिमांड हो गई है इसकी अब। हाँ जी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए है? ये मास्क तो प्रेस होंगे, इन्हें तो प्रेस करना है अभी, पर फिर भी जो भी प्रेस करने वाले भी हैं तो भी मैं उनको ऐसे तय लगा के रख रही हूँ, नहीं तो बहुत फैले फैले लगते हैं, अगर मैं कहीं पे भी रखूं या बेड पे रखूं या कहीं रखूं तो ये बहुत फैला फैला लगता है, इसीलिए मैं इनको। अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर, ये शाम से बना रही हूँ, अब शाम का समय हो गया है और मैं घर के अंदर आ गई हूँ, अब जाके जरा ब्रूटस के रोटी का काम देख लूं, ब्रूटस को खाना बनाना है, ब्रूटस को शाम के टाइम में देती हूँ, इसकी डाइट में होता है आज दही और चावल, दही और चावल मैं इसको दूंगी, और जरा बेटे को देती हूँ मैं किचन में, देखिए अंधेरा हो गया है, किचन की लाइट जल गई है। हाँ ये काउंटर पे बर्तन मैंने दोपहर में धो के रखे थे सूखने के लिए, मैं बास्केट में डाल के नहीं रखती, मैं काउंटर पे ऐसे रख देती हूँ ताकि वो निचुड़ जाए अच्छे से, तो ये अभी मैं सारा फैला फैला लग रहा होगा आपको, मैं ये उठाऊंगी पर पहले उससे पहले दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं। पहले हम गैस पे रख देते हैं,
दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर दूंगी बेटे को, दूंगी दूध पीने के लिए। और ये देखिए ब्रूटस अपनी हार्नेस पहन के खड़ा हो गया है, इसको लग रहा है कि मैंने इसको कहीं घुमाने ले जाना है जबकि ऐसा नहीं है। और ये जरा मैं मंदिर की लाइट भी जला देती हूँ, शाम का समय हो गया है, अंधेरा हो गया है तो मंदिर की लाइट भी मैंने ऑन कर दी है। ये देखिए मंदिर की लाइट भी ऑन हो गई है, आप दर्शन कर लीजिए। सारा मेरा काम यूं ही था, कपड़े आज धोए थे, कपड़े मैंने बारिश के डर से मैंने अंदर बालकनी में ही सूखने डाल दिए थे तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि अब गीले हो जाएंगे। देखिए फिर भी बारिश हुई नहीं है और देखिए कितने घने घने और काले बादल छा रहे हैं, ये देखिए कितने घने और काले बादल हैं। हाँ एक प्लांट मेरे यहाँ बालकनी में मैंने रखा है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल के लिए, वो है मेरा मनी प्लांट। वो भी इसलिए रखा है क्योंकि ये बाहर होता नहीं है, यहाँ शिमला में ठंड होने के कारण मनी प्लांट बाहर उगता नहीं है, तो ये क्योंकि मेरे चारों तरफ से ये बंद है, मैंने ये ग्लेज करवा रखा है इस बालकनी को, तो यहाँ पर धूप आती है, हवा नहीं आती ज़्यादा, ठंड भी नहीं होती यहाँ पर, तो इस करके मैंने ये मनी प्लांट ही यहाँ रखा है। बाकी अभी तो फिलहाल मेरे सारे प्लांट्स बाहर ही हैं, मैंने अभी आपको दिखाए थे, जब सर्दियाँ आती तो थोड़े से प्लांट मैं अंदर लेके आती हूँ, जब सर्दियाँ आती हैं तो थोड़े से प्लांट मैं अंदर ले आती हूँ।